नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और मैं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 1.5 लाख युवा नहीं डाल पाएंगे वोट, हिमाचल में चुनाव आयोग के सर्वे में सामने आया गैप। हिमाचल में फिर बड़ा फेरबदल, 3 साल से एक ही स्टेशन पर डटे 25 पुलिस अफसर बदले। लड़की की शादी में सरफिरे ने पानी के टैंक में मिलाया जहर, हाथ धोते ही बदबू आने से बची बारातियों की जान। फर्ज निभाते देश पर कुर्बान हुए जवान को नम आंखों से विदाई, गोविंद सागर किनारे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पालमपुर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए ललकारा आतंक का आका। तबाही की बारिश से सहमा हिमाचल, चंबा पर सबसे बड़ी मार, घर गिरे, सड़कें धंसी। और वर्ल्ड विंटर गेम्स के लिए पसीना बहाएंगे हिमाचली खिलाड़ी, दिल्ली में 8 दिनों का ट्रेनिंग कैंप 1 मार्च से। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख युवा लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान नहीं कर पाएंगे। इन युवाओं ने अब तक अपने वोट ही नहीं बनवाए हैं। 18 से 25 साल की उम्र के इन युवाओं में या तो मतदान के प्रति रुझान नहीं है या फिर जागरूकता की कमी है। यही कारण है कि इन्होंने अभी तक वोट बनाने के लिए आवेदन ही नहीं किया है। निर्वाचन विभाग के सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है कि इस उम्र के युवाओं का 1.5 लाख का गैप सामने आ रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2.5 लाख युवाओं के वोट बने होने चाहिए, लेकिन यह संख्या 88,000 ही है। जिलों के हिसाब से गैप को पूरा करने के लिए जिलाधीशों को निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए प्रदेश भर में मुहिम शुरू कर दी गई है। 18 से 19 वर्ष के जो नवागंतुक हमारे जो वोटर्स हैं, जो अभी बिल्कुल फ्रेश बने हैं, इनकी जो प्रोजेक्टेड संख्या है वो हमारे आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 2.5 लाख के आसपास होनी चाहिए थी। अब तक इनमें से 88,000 वोटर्स के, नए वोटर्स के हमने जो उनके वोट्स हैं वो बना दिए हैं, करीबन 1.5 लाख के आसपास गैप है। हिमाचल में सरकारी मुलाजिमों के तबादलों का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। IAS, IPS, HAS और HPS आदि वरिष्ठ अधिकारियों की ट्रांसफर के बाद प्रदेश भर के वरिष्ठ पुलिस अफसर भी बदल दिए गए हैं। शनिवार को निर्वाचन आयोग के आदेश पर जयराम सरकार ने 25 पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रांसफर की है। ये सभी ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 3 साल से एक ही स्टेशन पर सेवाएं दे रहे थे। शनिवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक ट्रांसफर हुए सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लड़की की शादी के लिए छोड़े पानी में किसी सरफिरे ने जहर मिला दिया। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब शिमला से पहुंचे बाराती खाना खाने के लिए हाथ धोने लगे। पानी से जहर की बदबू आने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया और जहर की बात सामने आते ही आयोजन के लिए भरा पानी उड़ेल दिया गया। करसोक की दूरदराज ग्राम पंचायत मशोक के मगरू गांव के पानी के टैंक में जहर मिलाने की बात का पता चलते ही प्रधान पार्वती ने इसकी सूचना पुलिस और IPH विभाग को दे दी। इसी बीच IPH और पुलिस की टीम ने जब टैंक का दौरा किया तो वहां पर खतरनाक कीटनाशक के खाली पैकेट पड़े हुए थे और टैंक से जहर की बदबू आ रही थी। करसोक पुलिस तथा IPH के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे तथा लोगों के बयान दर्ज किए। इसी बीच पुलिस की तहकीकात में सामने आया कि टैंक का ढक्कन बंद था, तो ऐसे में शातिर ने मेन पाइप के जरिए ही इसमें जहर डाला होगा। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जैसे पुलिस विभाग यहाँ पहुँचती है, हमने उनको बताया कि आप इसकी छानबीन करें, जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किसी जानमाल का नुकसान भी ना हुआ है, लेकिन फिर भी किस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है उसके बारे में ढूंढ तलाश की जा रही है और जो भी इस काम में लिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शादी समारोह में नशे की ओवरडोज से एक 15 साल के नाबालिग की मौत हो गई। शिलाई के बालीकोट पंचायत के ध्याड़ का नाबालिग चरस के नशे में टल्ली होकर कोटी में शादी में पहुंचा था और उसने वहां चोरी छिपे शराब पी ली। इसके बाद नशे की ओवरडोज से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डर की वजह से वो पूरी रात हाड़कंपा देने वाली ठंड के बीच खुले में पड़ा रहा। लोगों ने जब सुबह उसे बेहोश देखा तो परिजनों को इसकी सूचना दी। बेहोशी की हालत में घरवाले उसे पहले नाहन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां से गंभीर हालत में उसे PGI रेफर कर दिया। PGI में उपचार के दौरान नाबालिग की मौत हो गई। शिलाई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्ज निभाते निभाते वतन पर प्राण न्योछावर करने वाले बिलासपुर के BSF जवान का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उपमंडल झंडूता के लहड़ गांव में सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से मां भारती के लाडले को विदाई दी। गोविंद सागर के किनारे पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद राजेंद्र कुमार का अंतिम संस्कार किया गया।
छोटे भाई ने जैसे ही चिता को मुखाग्नि दी तो हर आंख नम हो गई। अंतिम यात्रा के दौरान सेना के जवानों ने शहीद को सलामी दी। शनिवार सुबह करीब 5 बजे दिल्ली से तिरंगे में लिपटी आई बेटे की लाश देख परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस मौके पर स्थानीय विधायक जीतराम कटवाल, सहायक आयुक्त उपायुक्त बिलासपुर पूजा चौहान, एएसपी भागमल, सेना की ओर से असिस्टेंट कमांडेंट ओम प्रकाश विश्नोई, इंस्पेक्टर आशीष कुमार, इंस्पेक्टर यशवंत सिंह के साथ अन्य 29 सेना के जवान मौजूद रहे। बता दें कि लहड़ गांव के बीएसएफ जवान राजेंद्र कुमार गौतम का प्रयागराज में एक व्यक्ति को डूबने से बचाते समय गर्दन में आई गंभीर चोट के कारण निधन हो गया। राजेंद्र कुमार 2004 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वे एनडीआरएफ में प्रयागराज में कुंभ मेले में सेवाएं दे रहे थे। 2 दिन में 2 जवानों की तिरंगे में लाशें आने से जिला भर में शोक की लहर है। पुलवामा में आतंकी हमले के खिलाफ शनिवार को लोगों का खून खौल गया। शहर की सड़कों पर सैनिक लीग अध्यक्ष सीडी गुलेरिया की अगुवाई में आतंक के आका पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली में महिलाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर पुलवामा के शहीदों को सैल्यूट किया। हाथों में बैनर व पाकिस्तान विरोधी नारों की तख्तियां लेकर शहर में निकली इस विरोध रैली के दौरान आतंकी हमले का शिकार बने सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए लोगों का खून खौल उठा। रैली में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, महिला मंडलों, आंगनवाड़ी वर्कर्स और केएलवी कॉलेज की छात्राओं सहित अन्य कई सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो हिमाचल प्रदेश पहले भी देश में एकमात्र ऐसी तहसील रही है जिसके 2 परमवीर चक्र और 1 अशोका चक्र और असंख्य वीर चक्र रहे हैं। इतनी मिसाल देश के अन्य प्रदेशों में नहीं है। तो ये जो है पालमपुर वीरों की धरती है। इधर की हमारी जो मातृत्व शक्ति है, इन्होंने ऐसे वीर बच्चों को पैदा किया है कि जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। कांगड़ा के इंदौरा की मंडमियानी पंचायत की गुज्जर बस्ती में शुक्रवार रात को भीषण अग्निकांड हुआ। देर रात खड़पोश मकान में भड़की आग की लपटें देखते ही देखते बेकाबू हो गई। त्योरा गांव में क्रशर के नजदीक बेकाबू हुई इन लपटों की चपेट में 3 मकान आ गए और सामान के साथ साथ गरीब गुज्जर की जमा पूंजी भी राख हो गई। मक्खन सिंह, काशिमदीन और नामक के घर सुलगी चिंगारी एकदम ही शोला बन गई और 2 भैंसों के साथ 4 गायों, 3 बकरियों और 1 बछड़े को निगल गई। अग्निकांड के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तबाही की बरसात के बाद सर्दियों में हिमाचल में मौसम ने कहर ढहा दिया है। हाल ये है कि फरवरी में बरसात जैसी भारी बारिश के बीच जगह जगह लहासे गिर रहे हैं, घर और गौशालाएं जमींदोज हो रही हैं, सड़कें भूस्खलन की भेंट चढ़ रही हैं और डंगे धराशायी हो रहे हैं। मौसम की सबसे ज्यादा मार चंबा जिला पर पड़ी। सलूनी उपमंडल में भारी बर्फबारी और बारिश के बाद खिली धूप के कारण यहां पर 2 घर भरभराकर गिर गए। भांदल पंचायत के थत्ती गांव में आजाद हुसैन पुत्र बशीर का मकान और मंजीर में प्रहलाद पुत्र बजीरू की गौशाला खिली धूप के बीच एकाएक गिर गई। वहीं भूस्खलन की भनक लगते ही लोगों ने सांस लगते घर की छत पर पनाह लेकर बड़ी मुश्किल से जान बचाई। डांड पंचायत के भड़ोल गांव में प्रेमलाल का घर और गौशाला भी मलबे की चपेट में आकर जमींदोज हो गए। धूप खिलते ही तबाही का ये सितम यहीं नहीं रुका और मंजीर में पेट्रोल पंप पर मलबा गिर गया। भरमौर एनएच पर रेनोलो के पास पहाड़ी से चट्टानें गिर गईं। वहीं चंबा तीसा मेन रोड भी मौसम की मार से जगह जगह से धंस गया है। इसी बीच मनाली में हालांकि खिली धूप के बीच लोगों को कुछ राहत मिली, पर भारी बारिश के कारण सड़कों पर पसरा मलबा तबाही की दास्तां बताता रहा। उधर कांगड़ा की देहरा हरिपुर सड़क पर शनिवार सुबह एक निजी बस सड़क पर पसरे कीचड़ में धंस गई। इससे जाम लग गया और स्कूली बच्चों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता को भी परेशानी झेलनी पड़ी। बारिश और बर्फबारी से परेशान हिमाचल के लिए राहत भरी खबर है। शनिवार की ही तरह रविवार को भी प्रदेश में धूप खिलेगी। इसी बीच 26 फरवरी को प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी होगी। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं दूर दराज के कोठी और कल्पा में शनिवार को भी ताजा हिमपात हुआ। कोठी में 3 और कल्पा में 1 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। इसके अलावा मनाली में 6, झंडूता में 5, भूंतर में 4, जुब्बल में 3 और कोटखाई में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और अब खेल समाचार।
वर्ल्ड विंटर गेम्स में हिमाचल के 7 खिलाड़ी दम दिखाएंगे। इनमें 6 स्पेशल खिलाड़ियों के साथ एक यूनिफाइड प्लेयर प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा। वर्ल्ड स्पेशल गेम्स 14 मार्च से 25 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में होंगी। हिमाचल के खिलाड़ी 8 मार्च को अबू धाबी रवाना होंगे। स्पर्धा से पहले हिमाचली खिलाड़ियों के लिए दिल्ली में 1 से 8 मार्च तक प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। वर्ल्ड स्पेशल गेम्स के वॉलीबॉल में मंडी से अभिषेक विनोद, एथलेटिक्स में मंडी से निशा धवन, बास्केटबॉल में चिराग, बिलासपुर से साइकिलिंग में शुभम, पावर लिफ्टिंग में पूजा और साइकिलिंग में ऊना से रघुनाथ शामिल हैं। इसके अलावा शिमला से जतिन सूद बतौर यूनिफाइड प्लेयर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। हिमाचल के साथ 4 प्रशिक्षक भी अबू धाबी जाएंगे, जिनमें सोलन से राजकुमार, शिमला से राजेंद्र, नाहन से रश्मि और सुंदरनगर से जमुना देवी शामिल हैं। और अब चलते चलते ऊना के मैड़ी में धार्मिक स्थल पर पेंट करते गिरे 2 मजदूर, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। लोकसभा चुनावों से पहले 3 मार्च को 10 हलकों में सजेगा प्रदेश सरकार का जनमंच, तैयारियां तेज। 1000 करोड़ का निवेश करने हिमाचल पहुंचा नटवरलाल उद्योगपति, सरकार ने दिखाया बाहर का रास्ता। और रामपुर बुशहर के इंदिरा मार्केट में जोरदार भूस्खलन, NH5 पर 2 कारें मलबे में दफन। हिमाचली तड़का में आइए सुनते हैं पुलवामा के शहीदों को समर्पित हंसराज रघुवंशी का यह डमरू वाला। सब नादा रखवाला वो शिव जी डमरुआ वाला, जी डमरुआ वाला, ऊपर कलास रहंदा भोलेनाथ जी। शबे तर मिया जो तार दा शिव जी, पापिया जो मार दा जी, पापिया जो मार दा, बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। नमः शिवाय शंभो, महादेवा तेरा डमरू डम 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 बज तो जाय रे हो। नमः शिवाय शंभो, महादेवा आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।